जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो आप देख रहे हैं अपना फ्री यूट्यूब टेक्निकल, ठीक है। तो आज जो है ना फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, ठीक है ना, आपके साथ सामना किया है कि हाउ टू अनबैन व्हाट्सअप नंबर। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी सारे नंबरों को अनबैन करके लाइव प्रूफ करके दिखाया था, और कुछ ऐसे नंबर थे जो मैंने आपको शो भी करवाए थे कि हाँ भाई ये नंबर मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, इनको हमने करना क्या अनबैन, ठीक है ना। वही नंबरों को मैंने अनबैन करके आपको जो है ना स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भी सेंड किया, लेकिन अब दोबारा आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास भी यार इस तरह का प्रॉब्लम बन जाता है, आपका भी व्हाट्सअप नंबर बैन हो जाता है या आपके दोस्तों का बैन हो जाता है, तो क्योंकि काफ़ी सारे एक एक दो बंदा आपस में डिस्कस तो ज़रूरी करते हैं जब नंबर का कोई प्रॉब्लम वगैरह बने तो, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम वगैरह आता है तो आपने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना, ठीक है ना, कहीं पे भी वीडियो को मैच नहीं करना ताकि आपकी फिर प्रॉब्लम ये ना हो कि सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हर सूरत में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो यार काफ़ी सारे नंबर मेरे पास आते हैं जिनमें से मतलब के 100 में से 5% होते हैं जो मतलब के LLCC प्रॉब्लम नहीं होती, बकाया जो है ना 95% जो है ना नंबर LLCC प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। वो भी कुछ नए दोस्त हैं उनको LLCC प्रॉब्लम का पता नहीं होता, ठीक है ना। तो वो भी इंशाल्लाह उस वीडियो का मतलब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना, ठीक है ना, वो लोग जाके वो वीडियो देख लें LLCC प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है ना। और ये थंबनेल देख लें इस तरह ये वीडियो की, ठीक है ना, इसमें मतलब कि LLCC प्रॉब्लम की मैंने ऑल टू Z डिटेल दी हुई है, ये वीडियो देख लें, ठीक है। और उसके बाद ये जो तो ऊपर 5% जो है ना फीसद मतलब के वो लोग होते हैं उनके नंबरों का अनबैन होने का उसी टाइम का चांस होता है, ठीक है ना। LLCC प्रॉब्लम ये होती है कि उस नंबर को जो है ना रिपोर्ट वगैरह तो करते रहते हैं तकरीबन 2-3 दिन रिपोर्ट एक साथ करें ना, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं है तो आपका नंबर अनबैन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इस भाई का भी नंबर हमने अनबैन करना है, ठीक है ना। देख लो और कोई भी हो, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को हेल्प करना, ठीक है ना। तो मैंने इसका नंबर इधर से फिर वो यहाँ से कॉपी किया, ठीक है ना, ये देखें। उसके बाद फौरन मैंने इसको रिपोर्ट वगैरह लगा दी, मैंने इसको बोला ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद जब नंबर ओपन हो गया तो इसने मुझे खुद भी मुझे स्क्रीन शॉट करके दिखाया और मैसेज भी दिया, ठीक है ना। तो ये देखें नंबर इसका ओके हो गया, थैंक यू बॉस, ठीक है ना। कसम से इस तरह दिल भी खुश होता है, ठीक है ना। और जा किसने वीडियो देखी और स्क्रीन शॉट वगैरह दिया, लाइक कमेंट भी दिया, ठीक है ना, तो बहुत ही दिल को सुकून मिला, ठीक है। और ये देखें, और इसके बाद हो गया जैबी भाई, ठीक है, उसका भी हमने नंबर अनबैन किया था इस भाई का, ठीक है ना। इसका नंबर हमने इधर 1 मिनट में अनबैन किया था, ये देखिए, ठीक है। इसकी वॉइस वगैरह भी मैं आपको सुना देता हूँ, कहते तो मैंने फ़ौरन ही इसका नंबर इधर से कापी किया। कापी करने के बाद ये देखिए 6-53, ठीक है, बैन था। अब ये भी इधर भी 6-53 पे ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ओपन होने के बाद इधर आ गया थोड़ा नीचे, इसने मतलब कि व्हाट्सअप तो बना लिया, किसी को शायद इसने मैसेज किया या नहीं किया, या किसी अगर किसी का नंबर सेव नहीं तो इसने मैसेज किया या कोई ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इसका नंबर दोबारा जो है ना बैन हो गया। तो रात को इसने मुझे मैसेज किया फिर भी मेरा नंबर दोबारा बैन हो गया, तो आप बताओ मैंने क्या करूँ। मैंने इसको बोला वेट करो, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इसका नंबर भी अभी अनबैन करने वाले हैं, ठीक ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका नंबर भी अनबैन होगा, ठीक है। और उस भाई का जो ना नंबर अनबैन हमने करके दिखा दिया, और ये इस भाई का भी कॉलें वगैरह मेरे ख्याल से आ रही हैं, इसके भी शायद मेरे ख्याल से नंबर कोई ये देखें, ठीक है ना। तो इसको भी मतलब के कह देते हैं हाँ भी ओके हो गया, ठीक है ना, ओके जी भाई, ठीक है ना। इसका भी मतलब के नंबर हमने क्या करना है, अनबैन करना है, ठीक है। आगे जाके यार अगर आप PM में आते हो पहले तो फर्स्ट टाइम यार सलाम का मैसेज करो, ठीक है ना। मेरी आदत है, ठीक है ना, हर बंदा जो आता है उसको सलाम का मैसेज करो। सलाम का मैसेज करने के बाद ना आप जो भी आपका नाम है नाम बता दो, और जो नीचे डिटेल वगैरह एक ही मैसेज मतलब कि छोटा सा बड़ा करके ना मैसेज लेके सेंड कर दो, हाँ भाई फरीद भाई ये हमारा मसला है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें जो है ना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करने के या कुछ भी जो भी है वो लिख दो, ठीक है ना, मैं समझ जाऊँगा। उसके बाद यार काफ़ी सारे दोस्तों के पास ये मसला आता है कि वो कहते हैं यार यू नीड ऑफिशियल व्हाट्सअप, ठीक है ना। मेरा भाई यू नीड ऑफिशियल व्हाट्सअप का ऑप्शन ये आता है कि अगर आप GP या YO या FM कोई भी इस तरह के व्हाट्सअप जो है ना मॉडर्न व्हाट्सअप यूज़ करते हो ना, तो वो नंबर एक बार जब बैन हो जाए तो दूसरी बार जब वो आप लगाने की कोशिश करते हैं ना तो फिर नंबर जो ना वो नहीं लगता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं लगता, उसके कोई कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से वो नंबर जो है ना नहीं लगता ईजिली, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरा व्हाट्सअप ये व्हाट्सअप बिजनेस या मैसेंजर बना के ना
आप इस व्हाट्सएप को यूज़ करते हो उधर वहाँ से लिंक डिवाइस कर दें, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं यार फरीद भाई लिंक डिवाइस भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। मेरा भाई लिंक डिवाइस ईजिली इस्तेमाल होता है, अभी भी मेरे साथ एक दो व्हाट्सएप इस तरह हैं मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है लिंक डिवाइस के ज़रिए, ठीक है ना। तो लिंक डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट किए हैं, आप लिंक डिवाइस के साथ जो है ना उनको कनेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इजीली किसी के भी नंबर का मतलब के ये देख लें, ठीक है ना। ये वही मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए थे, ठीक है। लिंक डिवाइस करके आप इजीली जो है ना अपना व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और यार मॉडर्न व्हाट्सअप की जो है ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही, कोई आप अगर एडिटिंग वगैरह करते हैं जितने भी मॉडर्न बैठे हैं तो जब एडिटिंग कर जाते हैं तो व्हाट्सअप फ़ौरन अपडेट कर जाता है, ठीक है ना। जब आप नंबर भी लगा लेते हो तो ना उसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हासिल होता, ठीक है ना। बस आजकल जो है ना वायरस वायरस लगी हुई है, वायरस के लिए जो है ना बस क्या यार मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि आप लोग वायरस को करते क्या हो, ठीक है। तो उसके बाद चलो जो आपका दिल करे यूज़ करो, ठीक है ना। लेकिन लिंक डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट अभी भी हो रहे हैं, तो एक दो दोस्त कहते हैं कि लिंक डिवाइस के ज़रिए नहीं होते, लेकिन मेरा भाई लिंक डिवाइस अभी भी ऑप्शन ऑन है, ईजीली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो आप मोबाइल स्कैनर है उसको मतलब के यूज़ करके एक ही मोबाइल में आप उसको मतलब के जीपी या एफएम व्हाट्सएप जो है ना कर सकते हो, ठीक है ना। अगर दूसरा बात दूसरा मोबाइल आपके पास मौजूद नहीं है तो, ठीक है ना, ये भी इजीली हो सकता है, ठीक है। तो नंबर हमने किया अनबैन और उसके बाद जो और इस भाई का नंबर आ चुका है, ठीक है ना। इस नंबर को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इधर से हम करते हैं कापी, कापी करने के बाद इसको सीधा ले चलते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। ये देखें व्हाट्सएप पे लेके इधर यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ बाकी यार बैन है, ठीक है ना। पता नहीं अब ये कब से बैन है, ठीक है ना। अब इसको रिपोर्ट वगैरह रिक्वेस्ट लगाएंगे ना तो तब हमें पता चलेगा अब इसका क्या कुछ प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको कर देते हैं रिपोर्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट करने के बाद देखते हैं फिर इस नंबर का क्या प्रॉब्लम, हमने पहले से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये नंबर एक ये हो गया और उसके बाद दूसरा नंबर हो गया ये हमारा जेबे भाई का, ठीक है ना। ये भी मेरे ख्याल से बैन है, ठीक है ना। इसको भी हमने क्या करना है अनबैन करना है। दूसरा नंबर ये हो गया और ये इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो 24 घंटे का मेरे ख्याल से इसका टाइमर तो लगा हुआ, ठीक है ना। इसका हाँ ये भी अभी तक बैन है, ठीक है ना। इसको भी दोबारा अनबैन करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाते हैं कोई और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, ठीक है ना। ये देखो यार व्हाट्सअप पे जो जी पी, ठीक है ना। मेरा भाई यार मेरी आदत है, ठीक है ना यार, मैं ना कोई जीपी वगैरह व्हाट्सअप ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। कुछ ऐसे व्हाट्सअप हैं, ठीक है ना, मैं आपको इस साथ शेयर करने वाला हूँ। एक व्हाट्सअप बनाया तो है लेकिन उसकी वीडियो ऑलरेडी हर चीज़ ऑलरेडी रेडी है, ठीक है ना। लेकिन व्हाट्सअप में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ये देखें, ठीक है। ये व्हाट्सअप है, जब देखेंगे अपडेट मांगने लग गए, ठीक है ना। इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, एडिटिंग वगैरह करो तो व्हाट्सअप पर इस तरह हो जाता है। व्हाट्सअप की वीडियो भी रेडी है सारा कोई, शायद मैं इसको आपके साथ लॉन्च ज़रूर करूँगा, आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। तो इस भाई की क्या हेल्प करनी है हमने, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसका भी व्हाट्सअप, अब ये देखिए इसने व्हाट्सअप नंबर सेंड नहीं किया, ये परमानेंट नंबर बैंड। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ भाई हेल्प। अब पता नहीं इसका नंबर क्या है, हम इसका नंबर उठा के रिक्वेस्ट वगैरह लगा दें तो पता नहीं है। अब ये देखो मुझे तो ये पता नहीं आता, चलो इसको नंबर का मैसेज भी कर देते हैं, चलो इसको नंबर भी सेंड करने का बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये होगा नंबर, इंशाल्लाह आपके साथ जल्द से ये नंबर अनबैन करके नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। आप उम्मीद है यार आपने वीडियो को स्किप नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो वीडियो को पहले की तरह आगे लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है ना।